नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह कि भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच कल दोनों देशों के बीच कॉप्स कमांडर लेवल की बैठक होगी। बैठक का तय वक्त कल सुबह 8 बजे का है, लेकिन मौसम के हिसाब से इसमें बदलाव भी देखा जा सकता है। चीन सीमा के मोल्डो में होने वाली इस बैठक में भारत की तरफ से करीब 10 अधिकारी शामिल होंगे। लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के वक्त ये बैठक काफी अहम है, जिसमें इस मसले पर इसका हल निकालने पर सहमति बन सकती है। तो भारत चीन के बीच कॉप्स कमांडर की बैठक कल होने जा रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक और महत्वपूर्ण बैठक, निगाहें होंगी इस बात पर कि इस समस्या का समाधान हल निकलेगा कल। शिरीन, दरअसल कल की जो मीटिंग है वो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है। अब तक पिछले एक महीने से चल रहे तनाव के दौरान जितनी भी मीटिंग हुई भारत और चीन के दरमियान, ये मीटिंग एक चुशूल के पास एक बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है। भारत की तरफ एक हट है और दूसरी हट चीन की तरफ है, जो चीन के मोल्डो में है। मोल्डो में ये मीटिंग होगी भारत और चीन के सैनिक अधिकारियों के बीच में। भारत की तरफ से 14वीं कोर जो कि लेह में है, उसके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें दूसरे स्टाफ ऑफिसर्स और जो स्थानीय कमांडर हैं, कुल मिलाकर 10 के आसपास सैनिक अधिकारियों के होने की संभावना है। ये मीटिंग लगभग 9 बजे के आसपास शुरू होगी, लेकिन वेदर चूंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है, वेदर थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए इस मीटिंग के वक्त में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग पर जाहिर है न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई है। दो सबसे बड़े देश एशिया के आप एक दूसरे के सामने आमने सामने हैं सैनिक दृष्टि से, और ये तनाव बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया इस समय देख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने इसमें अपनी अपनी जो बीच में बीच मध्यस्थता की अपील की थी, हालांकि उसको दोनों ही देशों ने खारिज कर दिया। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय भारत और चीन के ऊपर है, और कल सबकी नजरें इस जगह पर होंगी जो कि भारत के चुशूल के सामने पड़ता है, जो लद्दाख का इलाका है। मोल्डो में क्या मीटिंग होती है, क्या नतीजा निकलता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, हालांकि इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है, जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश लगातार बातचीत के जरिए की गई, लेकिन या तो उसका नतीजा उस तरीके से नहीं निकला या फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब मोल्डो में कल जो ये बैठक होने वाली है, इस बैठक के क्या मायने हैं, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे ऐसे समझाइए कि किस हद तक सफल हो सकती है ये बैठक, ये कितनी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, दरअसल भारत और चीन के बीच में जो एक मैकेनिज्म है बॉर्डर में जब भी कोई तनाव होता है उसको दूर करने का, तो उसमें अलग अलग स्तर की मीटिंग्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो कमांडिंग अफसर है बटालियन का, उसके लेवल की मीटिंग होती है, फिर ब्रिगेडियर लेवल की होती है, फिर मेजर जनरल लेवल की, डिवीजन लेवल की होती है, और ऐसी मीटिंग्स लगातार पिछले एक महीने में कई बार हुई, लेकिन ये मीटिंग्स नाकामयाब रही। मेजर जनरल रैंक की जो स्तर की पिछली मीटिंग हुई थी उसी में ये बात तय हुई कि भाई अब कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो जाए, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने जो पॉइंट्स हैं वो मुख्यतः जो अभी सूत्र बता रहे हैं वो दो ही हैं कि स्टेटस को कैसे मेंटेन किया जाए, स्टेटस को पर कैसे आया जाए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो निर्धारित अभी तक नहीं है, कई जगह उनके बीच में विवाद है, और इसीलिए फेस ऑफ की नौबत आती है। लेकिन इस बार ये फेस ऑफ, ये तनाव कुछ ज्यादा बढ़ गया। गलवान वैली और पेंगोंग झील के किनारे पर और गलवान वैली, दोनों ही जगह दोनों भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। गलवान घाटी में ये कई जगहों पर एक दूसरे के आमने सामने है। पेंगोंग झील में जो 8 पहाड़ियां हैं जिनको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया जाता है, उसमें फिंगर 4 के सामने दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने हैं, और 5 और 6 मई के दरमियानी रात उन दोनों के बीच दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। तो सवाल अब यही है कि क्या स्टेटस को मेंटेन करने के बारे में क्या नतीजा निकलता है, क्या दोनों ओर के सैनिक अधिकारी क्या तय करते हैं, या इस बातचीत को अगली बातचीत के लिए फिर से आगे किया जाता है कि इस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन टॉक्स जारी रहेंगे और अगली कोई तारीख मिलती है। बिल्कुल, और इसीलिए निगाहें सबकी हैं कि कल जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें क्या हो सकता है, जो तनातनी है उसे कम करने में कितनी कारगर साबित हो सकती है। शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो लद्दाख पर लाइन ऑफ एक्चुअल पर तनाव के बीच भारत ने जम्मू कश्मीर में आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर इस हवाई पट्टी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी को बनाने में 119 करोड़ रूपये का खर्च आएगा, जो अगले 8 महीने में पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर एमरजेंसी
सी हवाई पट्टी का निर्माण आज शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे तेजी से ये कार्य हो रहा है। 8 महीनों में ये काम जो है खत्म करना है और इस पर बताया जा रहा है कि 119 करोड़ रुपए की लागत जो है लगेगी। दरअसल ये योजना जो है देश के अलग अलग हिस्सों में 12 करीबन ऐसी ही एमरजेंसी हवाई पट्टी जहां पर एमरजेंसी लैंडिंग वायुसेना कर सकती है वो बनाई जानी है और उनमें से कश्मीर भी एक जगह है। लेकिन 2017 में ये योजना ज़रूर बनी लेकिन इसको जो है इम्प्लीमेंट आज किया जा रहा है और कश्मीर में आज इसका जो है निर्माण शुरू कर दिया गया है। कश्मीर में इस हवाई पट्टी का एमरजेंसी हवाई पट्टी का बनना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर घाटी की सरहदें जो है वो चाइना और पाकिस्तान से मिलती है और आपातकाल स्थिति में इस हवाई पट्टी को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और ये निर्माण उस वक्त सामने आ रहा है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमाओं पर तनाव बना हुआ है और लद्दाख को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए कश्मीर जो है एक महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए इस एमरजेंसी हवाई पट्टी का काफ़ी महत्व है कश्मीर के लिए और आज इसका निर्माण शुरू हुआ है और 8 महीने के भीतर जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बिजबहाड़ा, अनंतनाग। और भारत में अपने 2 जासूसों के पकड़े जाने से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी आईएसआई नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।